गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संशय मैनेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी किया गया है, और इस लेटर के आलोक में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी तैयारी के तरफ से किया जा रहा है दोस्तों, उसको स्थगित करने की बात की जा रही है। जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी इस कार्य में डिपुटेशन पे हैं, प्रतिनियुक्त हैं, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य स्थगित किया जा रहा है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित क्या? बीपीएससी तैयारी का एग्जाम हो चुका है दोस्तों, और अब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है जो की 12 सितम्बर तक होने वाला है। ये कार्य अभी आपका चल रहा है 9 से लेकर के 12 तक जो शिक्षक बनेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। 15 सितंबर को शिक्षा विभाग बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये बातें कही गई थी। हालांकि अभी तक बीपीएससी चेयरमैन सर की तरफ से किसी भी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। बिहार लोक सेवा आयोग क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से स्थगित हो गई है या आज होगी, पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं विस्तार से। ये जो लेटर है दोस्तों, ये जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से लिखा गया है, और प्रेषक है आप देख लीजिए यहाँ पे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार को ये पत्र लिखा गया है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा था उसी से संबंधित ये लिखा गया है। विषय देख लीजिए, यहाँ पे विषय है आपका बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट के स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की गई प्रतिनियुक्ति को स्थगित करने के संबंध में दोस्तों, ये जो प्रतिनियुक्ति हुई है उस प्रतिनियुक्ति को स्थगित करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा, महाशय उपर्युक्त विषयक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट के स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का सिवान सहित अन्य जिलों से बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति की गई है दोस्तों। बिहार यहाँ पे पदाधिकारी जो है, शिक्षा सेवा के जो पदाधिकारी है, उन लोगों का बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्त किया गया है, डिपुटेशन किया गया है। ध्यातव्य हो कि आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित ये परीक्षा ली गई थी, और उसी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को डिपुटेशन पे लगाया गया है। शिक्षा विभाग की नियुक्ति से संबंधित होने के कारण शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति करना उचित नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि शिक्षा विभाग की ये नियुक्ति है दोस्तों, और शिक्षा विभाग की नियुक्ति होने के कारण शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति करना उचित नहीं है। ये लाइन यहाँ पे स्पष्ट शिक्षा विभाग की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके तरफ से ये बात बोली गई है। यहाँ पे देखिए, उनके तरफ से ये बात बोला गया है कि ये जो नियुक्ति हो रही है दोस्तों, ये शिक्षा विभाग में नियुक्ति हो रही है, और शिक्षा विभाग की नियुक्ति से संबंधित होने के कारण शिक्षा विभाग के ही पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति करना उचित नहीं है, ये साफ साफ शिक्षा विभाग बोल रही है। दोस्तों, ध्यातव्य हो कि इस कार्यालय के पत्रांक 2019 दिनांक 5 सितंबर 2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य को रोक दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है दोस्तों कि इस कार्यालय, मतलब ये जो लेटर जारी किया गया है दोस्तों, वो शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, और शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो लेटर जारी किया गया है वहाँ पे पत्रांक 2019 दिनांक 5 सितंबर 2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य को रोक दिया गया है। मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को
रोक दिया गया है दोस्तों। इस लेटर में साफ साफ कहा गया है, लेटर शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों, लेट नाइट, जिसकी सूचना आप सभी को भी दी गई है, जिसकी सूचना आप सभी को भी दी गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 1545 दिनांक 1 सितंबर 2023 को विलोपित समझा जाए। समझ लीजिए, जहां से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा था उसे आप विलोपित समझे। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये लाइन काफी आपका महत्वपूर्ण है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य को रोक दिया गया है। स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया गया है दोस्तों कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य को रोक दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है और उसकी सूचना आप सभी को भी दी गई है, ठीक है। अब अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों को के OMR सीट को स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को स्कैनिंग हेतु प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। बिहार शिक्षा सेवा के जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हो उन लोगों को प्रतिनियुक्त या विरमित नहीं किया जाए दोस्तों, और उपरोक्त पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और अभ्यर्थियों के OMR सीट को स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के जो अधिकारी हैं उन लोगों को यहाँ पे प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए, और न ही बिहार शिक्षा सेवा के जो अधिकारी हैं उनको शिक्षा विभाग से विरमित किया जाए दोस्तों। ये बातें यहाँ पे की गई है और उपरोक्त पर अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक सर का अनुमोदन प्राप्त है दोस्तों। विश्वास भाजन यहाँ पे देख लीजिए, हस्ताक्षर है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। आप यहाँ पे देख लीजिए 5 सितंबर 2023 के डेट में ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर भी है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य चल रहा था ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य को BPSC लोक सेवा आयोग की तरफ से भी रोक दिया जाएगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग स्पष्ट शब्दों में साफ साफ शब्दों में कह चुकी है ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है दोस्तों ये शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया है, और शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है इस कार्य के लिए दोस्तों, या आपका OMR सीट का जो स्कैनिंग का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों की नियुक्ति नहीं किया। लाइन है दोस्तों यहाँ पे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, स्पष्ट लिखा गया है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन कार्य को रोक दिया गया है। प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्य मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य को क्या किया गया है दोस्तों, तो रोक दिया गया है। इसी के संबंध में लेटर जारी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों ये खबरें भी आ रही है कि स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए 41 अधिकारियों की BPSC में प्रतिनियुक्ति मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य BPSC चाहती है कि हो और वो करवा भी लेगी। यहाँ इसके लिए देख लीजिए नगर विकास एवं आवास अल्पसंख्यक कल्याण और गृह विभाग के 41 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग में की गई है दोस्तों। देख लीजिए अब दूसरे विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति यहाँ पे डिपुटेशन बिहार लोक सेवा आयोग में की गई है। यह प्रतिनियुक्ति आयोग द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए की गई है दोस्तों। ये जो डिपुटेशन किया गया है, ये डिपुटेशन क्यों किया गया है, तो जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करने के लिए किया गया है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को सभी अधिकारियों को आयोग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। तो जब शिक्षा विभाग अपने अधिकारी को अपने यहाँ के शिक्षकों को अविलंब विलंबित करने की मांग किया है, उसके बाद BPSC की तरफ से भी फैसला लिया गया है और दूसरे विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों को वापस बिहार लोक सेवा आयोग में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए डिपुटेशन किया गया है दोस्तों। इस वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑप्शन से बने के साथ बने रहें।